आलमगीर आलम की गिरफ्तारी हुई है क्योंकि उनके पीए के नौकर के घर से 30 करोड़ निकला था। जब नौकर इतना अमीर है तो मालिक का हाल क्या होगा। संविधान में संशोधन तो ज़्यादा कांग्रेस ने किया था, हम लोग तो बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर चलते हैं। 4 फेज में ही बहुमत मिल गया, अब तो जो 3 फेज है उसमें 400 के पार जाएंगे। तेजस्वी यादव आजकल हर बात पे माई और बाप बहुत बोलते हैं, अब भाजपा को और महंगाई को माई बाप बोल रहे हैं, और बिहार के कुछ नेता बड़ा डर रहे हैं। ये क्या बात है, जो भ्रष्टाचार करेगा वो बख्शा नहीं जाएगा। जब नेता के पीए के नौकर के पास 30 करोड़ रुपया मिल सकता है तो सोचिए मालिक कैसा होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज, मैं हूं प्राची सिंह आपके साथ। ये हम नहीं कह रहे, ये बीजेपी के कद्दावर नेता और प्रवक्ता शहनवाज हुसैन कह रहे हैं कि अगर नौकर के पास, यानी कि नेता के पीए के नौकर के पास 30 करोड़ मिल सकता है तो वो सोचिए कि नेता कैसा होगा और पीए कैसा होगा जो इतना करोड़ों का घोटाला किया होगा। जरा सुनिए कि शहनवाज हुसैन क्या कुछ कह रहे हैं। आलमगीर आलम की गिरफ्तारी हुई है क्योंकि उनके पीए के नौकर के घर से 30 करोड़ निकला था। जब नौकर इतना अमीर है तो मालिक का हाल क्या होगा। तो पूरे तथ्य के साथ गिरफ्तारी हुई है, लेकिन गिरफ्तारी हुई है झारखंड में, और बिहार के कुछ नेता बड़ा डर रहे हैं। ये क्या बात है, जो भ्रष्टाचार करेगा वो बख्शा नहीं जाएगा। देखिए, एक बात तय है, जिस तरह सूरज का उगना तय है, नरेंद्र मोदी का प्रधानमंत्री बनना तय है, उसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे, अब की बार 400 के पार जाएंगे। हर चुनाव में कुछ लोग ऐसे संस्थान हैं जो हवा बनाते हैं, ये फेज अच्छा नहीं रहा, वो फेज अच्छा नहीं रहा। अभी तक हम लोग पूर्ण बहुमत प्राप्त कर चुके हैं 4 फेज में, अब तो उस पर ऊपर सीटें आ रही हैं। नरेंद्र मोदी अगले प्रधानमंत्री बन गए हैं, कोई शक की गुंजाइश नहीं है। 4 फेज में ही बहुमत मिल गया, अब तो जो 3 फेज है उसमें 400 के पार जाएंगे। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि भाजपा महंगाई की मां है और बेरोजगारी का बाप है। तेजस्वी यादव आजकल हर बात पे माई और बाप बहुत बोलते हैं, अब भाजपा को और महंगाई को माई बाप बोल रहे हैं। पहले कहते थे माई बाप की सरकार है, तो इस तरह की भाषा वो बोलते हैं क्योंकि तेजस्वी यादव बहुत मेहनत किए, कमर में चोट भी लग गया, लेकिन सीट आ रही है 0। तो 0 सीट जब आ रही है तो अभी से थोड़ा सा इस तरह का बयानबाजी वो कर रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा है कि भाजपा है वो संविधान को खत्म नष्ट करना चाहते हैं, उनको खत्म। राहुल गांधी, देखिए, संविधान तो संविधान के ऊपर सर रखकर नरेंद्र मोदी जी ने सर झुकाकर शपथ लिया था प्रधानमंत्री का। संविधान न खतरे में था, न है, न रहेगा। संविधान में संशोधन तो ज़्यादा कांग्रेस ने किया था, हम लोग तो बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर चलते हैं, बाबा साहब के अनुयायी हैं। संविधान है और रहेगा। लालू जी के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं तब तो कुछ नहीं बोल रहे हैं। तेजस्वी यादव भूल जाते हैं कि जिस पार्टी के वो कार्यकर्ता हैं उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद जी हैं, और वो भी उम्र दराज हैं। मोदी का अपमान करते करते वो लालू जी का अपमान करने लगते हैं। आपका सवाल है, उद्धव ठाकरे के पास न शिवसेना बची, न तीर कमान बचा, न एक सांसद जीतने वाला है। अब वो भविष्यवाणी मोदी जी पे कर रहे हैं, महाराष्ट्र में 0 पे आउट हो जाएगी उद्धव ठाकरे की पार्टी। तो आपने साफ तौर पे सुना, ये लगातार जो कह रहे हैं कि कांग्रेस पर हमला बोलते हुए
और मालिक और नेता पर सवाल खड़ी कर रहे हैं। जी हाँ, नेता पर सवाल खड़ी कर रहे हैं कि आखिर वो नेता कैसा होगा। आप भी सोच कर दंग रह जाइएगा। तो देखना होगा कि आखिर आलमगीर आलम को इतना सजा मिला है, आखिर आज कोर्ट में जब पेशी होगी तो क्या कुछ निर्णय निकलेगा। फिलहाल इतना ही, देखते रहे देशवा न्यूज़। धन्यवाद।